हेलो स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक होता क्या है, उसका कमर्शियल बैंक्स के साथ क्या डिफरेंसेस है, और थर्ड सेंट्रल बैंक का फंक्शंस क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक एक ही होता है, और अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूं तो अपनी कंट्री में सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। पूरे कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है। तो आखिर ये सेंट्रल बैंक होता क्या है? तो सेंट्रल बैंक का मतलब होता है ऐसा बैंक जो पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को संभालती है। आप अपने आसपास जितने भी बैंक्स देखते हो, ये सारा कमर्शियल बैंक्स है, लाइक बैंक ऑफ इंडिया, SBI, HDFC, एक्सिस बैंक। अरे भाई, ये अगर अपनी मनमानी पे उतर आए तो हम जैसे पब्लिक तो जिंदा मर जाएंगे, है ना। तो इनको संभालने के लिए, इनको बिगड़ने ना दिया जाए, इसके लिए सेंट्रल बैंक को बनाया गया है। कि सेंट्रल बैंक का मेन फोकस होता है पब्लिक, पब्लिक का ध्यान रखना कि पब्लिक के साथ कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है। क्या ये सारे बैंक जो कमर्शियल बैंक है, क्या पब्लिक के साथ मनमानी तो नहीं कर रहा है? तो भाई, इसके लिए एक कर्ता तो होनी चाहिए, और वो कर्ता कौन है? सेंट्रल बैंक। इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, वन एंड ओनली। समझ गए? तो आइए जानते हैं पहले कि सेंट्रल बैंक का डेफिनेशन क्या है। सी, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स का मतलब होता है वन एंड ओनली, एक ही है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक व्हिच ऑपरेट्स, कंट्रोल्स, डायरेक्ट्स एंड रेगुलेट्स द मॉनिटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। यानी आपका जो पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर है, हमारे कंट्री का जो पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर है, इसको संभालने वाला, इसके लिए रूल्स बनाने वाला, इसके लिए रेगुलेशंस बनाने वाला, इसको ऑपरेट करने वाला जो बैंकिंग सिस्टम है, उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल बैंक। समझ गए? और हमारे कंट्री की बात करो तो सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आइए बात करता हूं कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं मीनिंग की बात करूं, मीनिंग से डिफरेंशिएट करूं, तो आप देखो कमर्शियल बैंक में क्या लिखा हुआ है। इट इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स। ये आप पढ़ चुके हैं कि हर एक कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उसको एज अ लोन डिसबर्स करना, डिलीवर करना। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन और बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स, डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ये जो कमर्शियल बैंक्स है, इनको कंट्रोल करना, इनको ऑपरेट करना, इनके लिए रेगुलेशंस बनाना, ये किसका काम है? सेंट्रल बैंक का। अंडरस्टैंड? दूसरा, स्टेटस। इट इज मेयरली अ यूनिट इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर। हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर बहुत वाइड है, बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। उसमें से कोई भी एक कमर्शियल बैंक को ले लो, सपोज बैंक ऑफ इंडिया को मैं ले रहा हूं, तो दिस इज सिंपली अ यूनिट आउट ऑफ इट। इस पूरे स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है कमर्शियल बैंक। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक की बात करो, इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। वो इकलौता इंस्टीट्यूशन है जो पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को संभालती है, और इस पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर का एक हिस्सा होता है मात्र कमर्शियल बैंक। समझ गए? ये बॉस है और ये उसका एम्प्लॉई है, ऐसे समझो। नेक्स्ट, ओनरशिप। इट कैन बी ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स। जो कमर्शियल बैंक्स आप अपने चारों तरफ देखते हो, जैसे HDFC बैंक, इसका प्राइवेट ओनर्स है। बैंक ऑफ इंडिया, इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। SBI, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। पर एज एक्सिस बैंक, ओन्ड बाई प्राइवेट ओनर्स। तो इसमें प्राइवेट ओनरशिप भी होता है, गवर्नमेंट ओनरशिप भी होता है, लेकिन अगर मैं सेंट्रल बैंक की बात करूं, इट इज ओन्ड एंड गवर्न्ड बाई द गवर्नमेंट ओनली। इसमें प्राइवेट ओनर्स का कोई हाथ नहीं होता है। पूरी तरह से इसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है? हमारा सरकार, हमारी सरकार, दैट इज गवर्नमेंट। मोटिव, इसका मेन मोटिव क्या होता है कमर्शियल बैंक्स का? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये बहुत बड़ा बनिया होता है, हमेशा प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचता है, कहां से प्रॉफिट आए और कैसे प्रॉफिट आता है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन सेंट्रल बैंक का मेन मोटिव होता है पब्लिक इंटरेस्ट, कि पब्लिक के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है, ये कमर्शियल बैंक पब्लिक पे कोई जास्ती तो नहीं कर रहा है, ये चीज देखने के लिए किसको बनाया गया है? सेंट्रल बैंक को।
इसका मेन फोकस होता है पब्लिक इंटरेस्ट, सोसाइटी का इंटरेस्ट, समझ रहे हो। नेक्स्ट पब्लिक डीलिंग। अब देखो कोई भी कमर्शियल बैंक, हम आप सारे लोग क्या कभी आरबीआई में जाते हैं अपना पैसा निकालने या जमा करने? नहीं, आरबीआई से हमारा डीलिंग डायरेक्टली होता ही नहीं है। हम पब्लिक किससे डायरेक्टली डील करते हैं? कमर्शियल बैंक से। तो कमर्शियल बैंक में क्या लिखा हुआ है? डील्स डायरेक्टली विद द पब्लिक, वेरेस सेंट्रल बैंक डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक, उसका पब्लिक से डायरेक्ट लेन देन कुछ नहीं होता है। फिर आते हैं नंबर ऑफ बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स में क्या लिखा हुआ है? देयर आर नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स, बहुत सारा कमर्शियल बैंक्स है, एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, एचडीएफसी, एक्सिस, बहुत सारा है। लेकिन अगर मैं सेंट्रल बैंक की बात करूं तो केवल एक ही सेंट्रल बैंक है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आइए मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल बैंक का फंक्शंस क्या क्या है। आइए अब बात करता हूं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक का। तो सबसे पहला फंक्शन इसका है बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू मतलब इट इशूज करेंसी नोट्स, यानी नोट छापने का काम सेंट्रल बैंक को दिया गया है, एक्सेप्ट वन रूपी नोट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास उसका अधिकार है छापने का। बाकी जितने भी नोट्स आप आसपास देखते हो, चाहे वो 100 रुपए का नोट हो, चाहे वो 500 रुपए का नोट हो, ये सारा नोट्स कौन छापती है? सेंट्रल बैंक, अंडरस्टैंड। और जब ये नोट्स वो छापती है, इश्यू करती है, तो दो तीन बातों का वो ध्यान रखती है। सबसे पहला तो सेफ्टी, ठीक है ना। दूसरा यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि आप देखोगे 500 रुपए का नोट का मैं एग्जांपल दूं तो हर एक 500 रुपए का नोट का साइज जो है वो सेम रहता है, इसको यूनिफॉर्मिटी कहते हैं, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा जो फंक्शन है वो है बैंकर एजेंट एंड एडवाइजरी ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारी सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए तीन तरह का काम करती है। एक तो एज अ बैंकर का काम करती है, बैंकर यानी सरकार का जो भी पैसा है, हमारे गवर्नमेंट का जितना भी फंड है वो कहां पे जमा होता है? आरबीआई के पास, इसलिए उसे हम लोग कहते हैं बैंकर, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, समझ गए। सरकार को जो भी लेन देन करना पड़ता है पैसे का, वो आरबीआई से ही करता है, क्योंकि उसका सारा पैसा आरबीआई में जमा होता है, सेंट्रल बैंक में जमा होता है। दूसरा ये एजेंट है, यानी एजेंट का काम क्या होता है कि ऑन बिहाफ ऑफ समबडी इट वर्क्स और ही वर्क्स, ठीक है ना। तो आरबीआई अगर सपोज करो गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, तो इसमें आरबीआई का बहुत बड़ा रोल होता है। आरबीआई एक मीडियम होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से लोन लेती है, इसलिए ये इसको हम लोग कहते हैं एजेंट टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का एजेंट भी कहलाता है। या फिर दूसरा मैं एक एग्जांपल दूं कि गवर्नमेंट का जो भी सिक्योरिटीज होता है, यानी शेयर्स, डिवेंचर्स, ये किसके थ्रू सेल एंड परचेज होता है? थ्रू आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के लिए एजेंट का भी काम करती है। और तीसरा एडवाइजरी ऑफ द गवर्नमेंट। जब भी हमारे कंट्री में कोई भी इन्फ्लेशन का सिचुएशन हो या डिफ्लेशन का सिचुएशन हो या बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, तो सरकार की मददगार कौन होता है? सेंट्रल बैंक। सरकार को एडवाइस देने वाला कौन होता है? सेंट्रल बैंक, इसलिए उसको एडवाइजरी भी कहते हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। देखो ये नियम है, ये रूल है कि कमर्शियल बैंक्स को थोड़ा बहुत पैसा हमेशा आरबीआई के पास जमा रखना होता है, ठीक है, हमेशा आरबीआई के पास थोड़ा बहुत पैसा जमा रखना पड़ता है, उसका एक लिमिट होता है। तो ये क्या हो गया फिर? आरबीआई क्या हो गया? इट्स अ कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व। कस्टोडियन मतलब संभाल के रखना, किसका पैसा? कमर्शियल बैंक्स का पैसा, तो इसलिए उसको कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि कमर्शियल बैंक का एक अप टू अ सर्टेन लिमिट कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा रखता है। कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिजर्व्स ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। अब देखिए ये जितना भी हमारे कंट्री में जितना भी इंटरनेशनल करेंसी, मतलब हो गया डॉलर, येन, पाउंड्स, इनका जितना भी ट्रांजेक्शन होता है
थ्रू द मीडियम ऑफ आरबीआई ही होता है, थ्रू द मीडियम ऑफ सेंट्रल बैंक। यानी डॉलर्स का जो भी लेन देन होता है वो सेंट्रल बैंक के थ्रू होता है। इसलिए हमारे कंट्री के पास जितना भी डॉलर्स है, येन्स है, पाउंड्स है, इवन गोल्ड, इन सब को संभाल के कौन रखती है? सेंट्रल बैंक। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिजर्व्स और इंटरनेशनल करेंसी। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। जब भी कमर्शियल बैंक्स को पैसे की जरूरत होती है, सपोज हमें पैसे की जरूरत है तो मैं कहां जाऊंगा लोन लेने? कमर्शियल बैंक्स के पास। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक्स को पैसे की जरूरत होती है तो वो कहां जाएगा पैसे लेने? आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास। तो जब भी कमर्शियल बैंक समस्या में आता है तो वो किसके पास चला जाता है? सेंट्रल बैंक के पास मदद मांगने, और सेंट्रल बैंक उसको मदद कर भी देता है। इसलिए सेंट्रल बैंक को कहा जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। और सबसे अंत में आता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इसका मतलब क्रेडिट क्रिएशन, आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो क्रेडिट क्रिएशन में क्या होता है? पैसे से पैसे बनाना। आपने देखा था ना, उसमें मैंने प्राइमरी डिपॉजिट लिया था 1,000 रुपया, और वहां से बैंक उस 1,000 रुपया को 1,000 रुपये से कितने का लोन दे दिया था? 4,000 रुपये का। समझ रहे हो बात को? तो ठीक से समझो, मैं इस पॉइंट को समझा रहा हूं, बहुत बढ़िया से इसको समझने की कोशिश करो। 1,000 रुपया बैंक के पास डिपॉजिट था और बैंक ने उस पैसे से कितने का लोन दे दिया था? 4,000 का। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोन बांटने लगोगे तो होगा क्या, सिचुएशन क्या होगा? अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोन बांटने लगोगे तो लोगों के पास पैसे अधिक हो जाएंगे, और पैसे अधिक हो जाएंगे तो वो हर चीज का, हर प्रोडक्ट का, हर कमोडिटी का ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे। और अगर कमोडिटीज का डिमांड मार्केट में अचानक से बढ़ जाए तो कमोडिटीज का प्राइस भी बढ़ जाता है, और इसको इन्फ्लेशन का सिचुएशन कहते हैं। तो इस चीज को रोकना बहुत जरूरी होता है, कमर्शियल बैंक्स की मनमानी को रोकना बहुत जरूरी होता है। कमर्शियल बैंक्स तो चाहेगा ही हम ज्यादा से ज्यादा लोन दे दे, तो उसका नतीजा क्या मैंने समझाया, क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन। तो इसको रोकने के लिए कौन तैयार होता है? सेंट्रल बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो ये मैंने आपको बताया अबाउट दी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, और इसका पीडीएफ नोट्स मैं आपको भेज दूंगा।